हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन BW कैंपस। आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। दोस्तों, प्यारे बच्चों, आप तैयारी करने जा रहे हैं BHU BCOM एंट्रेंस एग्जाम की। BHU BCOM एंट्रेंस एग्जाम इस टाइम पूरे BCOM एंट्रेंस एग्जाम की एक प्रेस्टीज है, जिसमें एडमिशन पाना हर किसी का सपना होता है कि मुझे BHU से BCOM करना है, मुझे मेन कैंपस से करना है। इसके बाद भी BHU का जो BCOM है वो अपने एफिलिएटेड कॉलेजेस में बहुत बेस्ट माना जाता है। जैसे आप BHU के BCOM को अगर देखेंगे तो वो मेन कैंपस में ही नहीं, DAV में भी होता है, जो कि उसका एफिलिएटेड कॉलेज है। इसके बाद ये होता है AMPGC में, आर्य महिला PG कॉलेज में। इसके बाद बसंता राजघाट में भी होता है, साथ ही साथ RGSC राजीव गांधी साउथ कैंपस, जो कि बरकछा में है, मिर्जापुर में स्थित है, वहां पर भी BCOM का एकमोडेट है। सारी चीज मैंने आपको यहां पर बता दी कि कहां कहां BHU के थ्रू आप BCOM कहां कहां से कर सकते हैं उसके एफिलेटेड कॉलेजेस से। अब यहां पर एक चीज और जो अभी से आप लोग का जानना कर्तव्य है, इस चीज को जान लीजिए। आप BHU के BCOM का सपना देख रहे हैं तो यहां पर मैं क्या कहता हूं, एक ऐसा टारगेट, ऐसा गोल्डन टारगेट जिसको अचीव करने के बाद आपको वहां पर एक सीट ही नहीं, आपको उसकी टॉप फैसिलिटी भी मिल जाती है। वो कौन सा सपना है? 300 प्लस का टारगेट। इस बार के लिए भी मैं टारगेट वही रखा हूं, 300 प्लस का टारगेट। इसको अचीव करना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि कैसे करेंगे, और इसको अचीव कराने में मैं BW कैंपस पूरी टीम आपकी सहयोग करने वाले हैं इस सेशन के दौरान। यहां पर देखिए, आपके सिलेबस का अगर मैं स्ट्रक्चर देखता हूं, आपकी रणनीति में जो सबसे ज्यादा भागीदार है, स्ट्रक्चर में मैं पाता क्या हूं, स्ट्रक्चर में आपका क्या है, आपका अकाउंट्स है, आपका FSA है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस है, इसके बाद आपका क्या इकोनॉमिक्स है, मनी एंड बैंकिंग है, आपका बिजनेस मैनेजमेंट है, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, बिजनेस इन्वायरमेंट है, उसके बाद आपका मैथमेटिक्स आ जाता है, कंप्यूटर आता है, एंड करंट इकोनॉमिक अफेयर्स आ जाता है। ये सारी चीजें आपकी होती हैं। आपका कंप्यूटर 6 नंबर का आता है, करंट इकोनॉमिक्स अफेयर्स 9 नंबर के होते हैं। इसके अलावा बाकी जो आपके सारे हैं वो 15 क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, 15 मतलब क्वेश्चंस आते हैं, 9 क्वेश्चंस करंट इकोनॉमिक अफेयर्स से और 6 क्वेश्चंस आते हैं आपके कंप्यूटर से, ठीक। यहां पर हर एक क्वेश्चन सही करने के लिए आपको 3 नंबर मिलता है, माइनस करते हैं तो 1/3 आपकी कट जाती है। ये तो बेसिक बात रही जो आप सभी को कहीं ना कहीं पता होंगी या फिर पता चल गई होंगी मेरे द्वारा। यहां पर याद रखें, किसी भी चीजों की शुरुआत से पहले उसके बारे में जान लेना बहुत ही आवश्यक होता है। तो उस जान लेने के लिए ही मैं बता रहा हूं कि आप पेपर को देखेंगे, जब 2020 के पेपर या फिर उससे पुराने जाएंगे आप, 20 साल तक के पेपर, bwcampus.com की वेबसाइट देख रहे हैं, इस वेबसाइट में देखिए यहां पर क्वेश्चन पेपर सेक्शन में 20 साल के क्वेश्चन पेपर रखे हुए हैं, मगर इस क्वेश्चन पेपर ने बहुत सारे बदलावों को देखा है अपने अंदर। 2017 का बदलाव, 16 का बदलाव, फिर यहाँ पर 18 का बदलाव होते होते ये जो मैंने सिलेबस दिया, ये सिलेबस यहाँ का इस बार का करंट सिलेबस है जो और आपके 2021 में परफॉर्म होने वाला है। ये सारी चीज़ें आपने देख ली। अब बात आती है कि राजन सर, इतनी सारी चीज़ें पता चल गई, अब हमारी स्ट्रेटजी रणनीति कैसी होनी चाहिए? तो देखिए, रणनीति आपकी बहुत ही सिंपल होनी चाहिए। कैसे? आप यहां देख रहे हैं मेरा खुद का फार्मूला, ट्रायंगुलर की ऑफ सक्सेस। इसके दौरान मैं कहता क्या हूं, ये आपकी टॉप पे रही स्ट्रेटजी, आपका रहा टाइम मैनेजमेंट, आपका रहा एक्यूरेसी मैनेजमेंट और आपका स्ट्रेस मैनेजमेंट। फिर क्या है, आपके गोल्स हैं, आपका एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, ठीक, और पुराना कट ऑफ है। इसके बाद आपका क्या रहा, आपका प्रीवियस ईयर पेपर रहा, मटेरियल आप क्या चूज करने वाले हैं, बुक्स कौन सी होने वाली हैं, ठीक, और अदर सोर्सेज के तौर पे क्या लेने वाले हैं। ये सारी चीजें मिलकर आपके लिए एक बेटर स्ट्रेटजी को बनाती हैं जो आपको 300 प्लस के गोल्डन टारगेट को अचीव कराता है। ये सारी चीजें मैं कह क्यों रहा हूं, बिकॉज ये आपका बेस है। अब हम चलते हैं सीधे एडवांस की तरफ कि हमें परफॉर्म करना है। उस परफॉर्म करने में क्या है, पहली चीज आपको प्रीवियस ईयर पेपर मिल गया, आपको ये रणनीति मिल गई कि सर हमें 300 प्लस का टारगेट मिल गया, ठीक, दो चीजें हमने दे दी। अब आपको देखना क्या, अपना टाइम मैनेजमेंट देखना है। टाइम में तो काम करना है, मगर उस काम को बहुत ही बढ़िया से करना, मतलब क्वेश्चन तो कर दिया मगर क्वेश्चन गलत कर दिया तो आपके एक नंबर कट गए, तो ये गलत है ना। आपको सही के लिए अटेम्प्ट करना अभी से ही आना चाहिए। तो इसके लिए करना क्या है, टाइम मैनेजमेंट, एक्यूरेसी मैनेजमेंट, साथ ही साथ आता है स्ट्रेस की बारी। बच्चे स्ट्रेस में आ जाते हैं एग्जाम टाइम में, नहीं एग्जेजरेट होना है, आपको स्ट्रेस बिल्कुल नहीं लेना है, मैं आपके साथ हर पग पग पे खड़ा हूं। अगली चीज थॉट क्या आती है कि जैसे आप BCOM एंट्रेंस एग्जाम के बारे में सोचते हो ना, तो आपको एक बहुत बड़ा इमेजिनेशन थॉट आता है कि क्या कैसे एकोमोडेशन होगा। तो देखिए, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी बहुत ही ज्यादा खूबसूरत प्लेस है, बाबा विश्वनाथ के हम लोग छत्र छाया में वहाँ रहते हैं, तो कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली, आप बेस्ट तरीके से बेस्ट टीचरों के बीच में पढ़ने वाले हो। जो ड्रीम है 300 प्लस का टारगेट आप यहाँ देख रहे हो, ऑलरेडी BW कैंपस की प्रीमियम सर्विसेज हैं, इसके तहत वीडियो लेक्चर्स दिए जाते हैं, मटेरियल दिया जाता है, मेंटर्स का सपोर्ट दिया जाता है, खासकर मेरे से आप बात कर पाते हो। तो
दोस्तों यहां पर आपको सारी फैसिलिटीज मिलती है जो आपके 300 प्लस के गोल्डन टारगेट को आपको अचीव कराएगी। तो यहां पर आपको बस स्टेप बाय स्टेप चलना है और उस हर एक स्टेप पे हमारा साथ आपको मिलेगा। अब यहां पर जो आपकी समस्या है, आपकी क्वेरीज कि सर इतनी सारी चीजें तो हमें पता चल गई, हमारी स्पेशल रणनीति कैसी होगी, तो देखिए आप यहां पर मेरा इंस्टाग्राम देखना है राजन साहू 01। आपको अपना करियर डिसाइड करने में प्रॉब्लम हो रही है कि आप कॉमर्स की तरफ ही जाओगे या फिर आप और भी कॉमर्स कहीं और से करना चाहते हो, जैसे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी हो गई, आपकी JMI हो गई, AMU हो गई, आपकी पटना यूनिवर्सिटी DDU हो गई, लखनऊ यूनिवर्सिटी, आपके बहुत सारे ऐसे मेनी मोर चॉइसेस हैं जिसको आप चाहोगे कि मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिले, तो इसके लिए आप मुझे यहाँ पर मैसेज डाल सकते हो या फिर कॉल करके अपना एक टाइम अरेंज करा सकते हो कि मुझे राजन सर से बात करना है। देख रहे दो नंबर चल रहे हैं, आपको कोर्स ज्वाइन करना है, कोर्स ज्वाइन करने पर तो ऑलरेडी मेरा नंबर मिल ही जाता है आप लोग को कि आप मेरे से बात कर पाते हो, मगर उसके अलावा भी अगर आप चाहते हो मेरे से कंसल्टेंट सर्विस लेना तो उसके लिए आप कॉल करिएगा, अपॉइंटमेंट बुक कर लीजिएगा अपना, हम आपसे बात करेंगे। अब यहाँ पर इन सारी चीज़ों को मैंने बता दिया, अब आपकी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, सबके देखिए अपनी रणनीति होगी करने की। मैंने तो एक मोटी माटा रणनीति आपको दे दी, मगर आपके साथ मिलके आपके अपने एंगेजमेंट से मैं ये चीज़ जरूर जानूंगा कि आपका क्या मजबूत है, क्या कमजोर है, आपका सिलेबस क्या है, आपकी अदर यूनिवर्सिटियों की प्रेफरेंसेस क्या है, सबको मिलाकर मैं आपका बेस्ट स्ट्रेटजी तैयार करने में आपकी हेल्प करने वाला हूं इस पूरे सेशन 2021 में। तो मिलता हूं आपसे BW कैंपस में, उसके कोर्सेज में, एंड साथ ही साथ आपके पूरे सपोर्ट के लिए मैं हमेशा से खड़ा हूं, सिंस 2017 से खड़ा हूं। तो इस चीज़ को आप याद रखिएगा, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशन एंड ऑलवेज नेवर गिव अप।